अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफ़ियत होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल जैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ इकदाम करके किस तरह से पाल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रानीखेत के हवाले से है और रानीखेत की वैक्सीन के हवाले से है। तो जी दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रानीखेत से किस तरह से अपने बर्ड्स को बचाना है उसके बारे में, और किस तरह से अपने बर्ड्स को वैक्सीन करनी है और कितने ml वैक्सीन करनी है, और तीसरे नंबर पर ऑयली वैक्सीन को आप फ्रिज में बैक्टीरिया से महफूज करके किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। तो वैक्सीन की वैसे तो मैंने पूरी कम्प्लीट वीडियो अब मैं एक बनाई हुई है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रानीखेत के हवाले से बताने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, रानीखेत जो एक वायरल इन्फेक्शन है, और जब ये आप अल्लाह ना करे अगर आपके खुड्डों के अंदर आ जाती है तो ये आपके जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सबको ही ख़त्म कर देती है। तो इससे बचने का बेहतरीन और वाहिद हल यही होता है कि आप अपने बर्ड्स को टाइम पर, वक्त पर उसको प्रॉपर वैक्सीन की जाए। तो दोस्तों, दो तरह की वैक्सीन होती है, एक तो ऑयली वैक्सीन होती है और दूसरी पानी वाली वैक्सीन होती है। पहले मैं आपको पानी वाली वैक्सीन के हवाले से बताता चलता हूँ कि ज़्यादातर जो डोमेस्टिक लेवल पर, घरेलू पैमाने पर जितने भी शौकीन हजरात हैं, वो अपने बर्ड्स को जो वैक्सीन कर रहे होते हैं वो पानी वाली वैक्सीन करते हैं, और ज़्यादातर 99% लोग जो हैं रानीखेत की ही वैक्सीन जो है वो अपने बर्ड्स को करते हैं। तो ये आपको गवर्नमेंट के इदारों से भी मिल जाएगी, लाइव स्टॉक जहाँ पर होता है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, और अगर आपने इम्पोर्टेड लेनी है तो आपको वो वेटरनरी स्टोर से भी बआसानी दस्तयाब है। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेड वैक्सीन होती है वो जो है वो थोड़ी महंगी होती है, और जो आपको सरकारी महकमे से मिलेगी, लाइव स्टॉक से मिलेगी, वो आपको 10 से 30 रुपये के दरमियान आपको मिल जाएगी, और अगर इम्पोर्टेड आप लेना चाहेंगे तो वो तकरीबन 500 से 550 के दरमियान जो है वो आती है। तो दोस्तों, जो पानी वाली वैक्सीन होती है, जब आप वेटरनरी स्टोर से या लाइव स्टॉक से लेके आएंगे तो हर तो उनकी पैकिंग जो है वो मुख्तलिफ होती है, कोई 250 बर्ड्स के लिए होती है, 500 के लिए होती है, 1000 के लिए भी होती है। तो दोस्तों, जितने बर्ड्स की क्वांटिटी उसके ऊपर मेंशन होती है उसी हिसाब से आपने उसके अंदर जो पानी है वो मिक्स करना होता है। तो पानी आपने किस तरह से मिक्स करना है दोस्तों? पानी आपने पहले तो आप या मिनरल वाटर लें। तो दोस्तों, जहाँ से आप वेटरनरी स्टोर से वैक्सीन लेते हैं वहाँ से आपको उसका पानी भी मिल सकता है, और अगर वहाँ से आप पानी नहीं लेते तो आप मिनरल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पानी को उबाल कर उसे जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर उसके अंदर वो पानी वाली जो होती है, जो वैक्सीन जो आप लाते हैं वो टैबलेट की शक्ल में होती है, वो पानी के अंदर मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो वैक्सीन पानी वाली देनी है अपने बर्ड्स को, वो 1 ml एक बर्ड्स के लिए होता है। जितने बर्ड्स के लिए उसके ऊपर लिखी होता है कि ये 250 या 500 या 1000 बर्ड्स के लिए होगा, उसी हिसाब से आपने ml उतने ही ml का पानी उसके मेडिसिन के अंदर मिक्स करना है। अगर 250 बर्ड्स के लिए हैं तो आपने 250 ml पानी उसके अंदर लेना है, अगर 1000 बर्ड्स के लिए हैं तो 1000 ml लेना है, या 1 लीटर पानी 1000 बर्ड्स के लिए उस मेडिसिन में मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपने अपने बर्ड्स को ये वैक्सीन देनी है या वैक्सीन करनी है, तो उस वैक्सीन करने से तकरीबन 1-2 घंटे पहले उनको थोड़ा प्यासा रखें। तो जी दोस्तों, ऊपर मगरिब का टाइम हो गया था, तो इस वजह से हम ऊपर जो है वीडियो स्टॉप करके हम नीचे आए हैं, और अब जो है बाकी वीडियो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि जब आपने अपने बर्ड्स को वैक्सीन करनी है तो 2 से 3 घंटे आप अपने बर्ड्स को प्यासा रखें, और जब आप अपने बर्ड्स को प्यासा रखेंगे तो उनके अंदर पानी की पीने की जो हिस होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो प्यासे ज़्यादा होंगे, और जब आप अपने बर्ड्स के आगे वो पानी रखेंगे तो आपको खुद उनको पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्यासे होने की वजह से वो खुद ब खुद वो वैक्सीन वाला पानी जो है पी लेंगे। तो दोस्तों, दूसरी वैक्सीन जो होती है वो ऑयली वैक्सीन होती है, और ये इम्पोर्टेड वैक्सीन होती है। दोस्तों, ये जो ऑयली वैक्सीन होती है ये पिलाने के लिए नहीं होती, ये इंजेक्ट करने के लिए होती है, आपके जो बर्ड्स हैं उनके पर में या गोश्त के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, लगाने के लिए होती है।
तो दोस्तों जब आप ये वेटरनरी स्टोर से लेकर आते हैं तो आपको ये 3500 से 5500 या 6000 तक की मिलती है। तो दोस्तों जब आप ये ऑयली वैक्सीन वेटरनरी स्टोर से लेकर आएंगे तो उस वैक्सीन के ऊपर, यानी कि हर वैक्सीन के ऊपर उसका तरीका इस्तेमाल जो है वो लिखा हुआ होता है। तो जो तरीका इस्तेमाल उसके ऊपर लिखा होता है तो आपने वही तरीके से उसी क्वांटिटी से उसी मकदार से ये जो वैक्सीन होती है अपने बर्ड्स को इंजेक्ट करनी होती है। तो जब ये आप ऑयली वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर दोस्तों ये होता है कि आप पहले तो ये है कि जी 2 माह से कम का बर्ड जो होगा उसको आपने ये ऑयली वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करवानी, उसके अंदर इंजेक्ट नहीं करनी। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपका बर्ड 1 माह का हो गया है और इतना हेल्दी है कि उसके बॉडी के ऊपर गोश भी आ चुका हुआ है तो फिर आप जो है वो ऑयली वैक्सीन जो गैलीमियोन होती है वो एक पॉइंट या एक लाइन जो इंजेक्शन जो सिरिंज होती है, अगर आप 3 cc की सिरिंज लेते हैं तो उसके ऊपर जो लाइन लगी होती है जितनी भी लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट काउंट होती है। तो आपने ये करना है कि वो एक पॉइंट अपने 1 माह के बर्ड्स को जो हेल्दी हो चुका हो जिसके बॉडी के ऊपर गोश्त आ चुका हो वो एक पॉइंट आपने अपने बर्ड्स को इंजेक्ट करना है। और अगर आपका बर्ड 2 माह का है तो आपने 2 पॉइंट इंजेक्ट करने हैं, और अगर 3 माह का है तो 3 पॉइंट इंजेक्ट करने हैं। तो दोस्तों अगर आपका बर्ड 3 माह से ऊपर का है, साल का, 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का हो चुका हुआ है तो आपने 3 पॉइंट से ज़्यादा उसको इंजेक्ट नहीं करना। अगर आप ऑयली वैक्सीन को जो है ज़्यादा इंजेक्ट करेंगे जितना तरीका इस्तेमाल लिखा है उससे ज़्यादा मिकदार में अगर लगाएंगे तो आपके बर्ड्स को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो ये तो हो गया इनका तरीका इस्तेमाल। और बाज़ लोग होते हैं, बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जब ये ऑयली वैक्सीन लेकर आते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होती है, महंगी होती है, तो इसे इस्तेमाल कराने के बाद वो दोबारा स्टोर भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जब वो स्टोर करते हैं तो वो फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं, तो दोस्तों जब वो सिरिंज से इंजेक्ट करके ये वैक्सीन लेकर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो जब बार बार वो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो उसके ऊपर रबड़ की सील लगी होती है, जब बार बार सिरिंज उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं और अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाते हैं तो वो बार बार इस्तेमाल करने की वजह से उस रबड़ की सील के अंदर बारीक बारीक जो है वो सुराख हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं। तो अगर वो इसी तरह से ये वैक्सीन इस्तेमाल करवाएंगे तो वो आपके बर्ड्स जो हैं वो कुछ बीमार भी हो सकते हैं। तो उसका स्टोर करने का बेहतरीन और बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप ये जो वैक्सीन है, ये जो ऑयली वैक्सीन गैलीमियोन होती है या कोई भी आप इंपोर्टेड ऑयली वैक्सीन लेते हैं, उसको स्टोर करने से पहले जो मोमबत्ती होती है वो मोमबत्ती जला कर उसका मोम जो पिघल के गिर रहा होता है वो जो है उसकी सील के ऊपर आप डाल दें। इस तरह से जो भी सुराख होगा वो कवर हो जाएगा और कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार होता है अपनी बर्ड्स को वैक्सीन करने का और वैक्सीन को किस तरह से स्टोर करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑयली वैक्सीन को सेव भी कर सकते हैं। वैक्सीन करने का तरीका और रानी खेत से बचाव के लिए किस तरह से वैक्सीन अपने बर्ड्स को कितने ML करनी होती है वो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो, ये मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।